हेलो फ्रेंड्स, नारायण नारायण। वंस अगेन वेलकम बैक टू देवरानी जेठानी की रसोई। आज हम बनाने वाले हैं एक ट्रेडिशनल गुजराती डिश जो कि है हांडवा। ये वेजिटेबल से भरपूर होती है, बहुत ही टेस्टी भी होती है। तो आइए चलिए मेरे साथ देवरानी जेठानी की रसोई में। यहाँ आप किसी भी कप या कटोरी के नाप से इंग्रेडिएंट ले सकते हैं। 3 कटोरी चावल लिए हैं, 1 कटोरी चना दाल, आधा कटोरी मूंग दाल, आधा कटोरी अरहर दाल और आधा कटोरी उड़द दाल। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे और 5 घंटे के लिए भिगो देंगे। ये देखिए 5 घंटे हो चुके हैं, ये हमारी दाल भीग चुकी है। अब इसे हम मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। देखिए हमने इसे पीस लिया है, ये हमारा बैटर बन चुका है। अब इसे हम फर्मेंट होने के लिए 7 से 8 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 8 घंटे हो चुके हैं, हमारा बैटर देखिए फर्मेंट हो चुका है, काफ़ी अच्छा फूल चुका है। अब इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 कप लौकी ली है कद्दूकस की हुई, 1 कप कैरेट कसा हुआ, 1 कप स्वीट कॉर्न लिया है और 2 चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, वो सब इसमें हम डाल देंगे। साथ ही में हम अब मसाले डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच जितना हम नमक डालेंगे, नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1/2 चम्मच गरम मसाला। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस बैटर को हम 3 से 4 चम्मच अलग बाउल में निकाल देंगे क्योंकि हम पूरे बैटर में इनो मिक्स नहीं करेंगे। इस बाउल में हम 1/4 चम्मच इनो मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हर बार ये प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें हम 3 चम्मच ऑयल डाल रहे हैं, 1 चम्मच राई डालेंगे, 1 चम्मच सफ़ेद तिल, 2 सूखी हुई लाल मिर्च और कुछ करी पत्ता। हमारा तड़का हो चुका है, अब इसके अंदर हम हमारा बैटर डाल देंगे। इसे हम इवनली स्प्रेड कर लेंगे इस पे और ऊपर की तरफ हम कुछ सफ़ेद तिल स्प्रिंकल करके इसे 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। हमारी फ्लेम एकदम गैस की स्लो है। देखिए हमारा पक चुका है। स्पैटुला की मदद से हम इसे धीरे से पलट देंगे और 10 मिनट के लिए इसे सिकने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, ये नीचे से भी अच्छे से सिक चुका है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से सुंदर बन के तैयार हुआ है। अब इसे हम बीच से कट करते हैं। देखिए हमारा ये हांडवा बनकर तैयार हो चुका है, बीच से सॉफ्ट और साइड से क्रंची। तो आप लोग भी इसे जरूर बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और अपने कमेंट्स हमें शेयर कीजिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। Thank you for watching our video.